हेलो स्टूडेंट, मैं हूं राजीव तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे कि आपको पता है कि आज 10th क्लास का हिंदी का पेपर था और हिंदी में दो सेट आए थे। एक तो आया था 003/2/4 और दूसरा था 003/1/4। तो दोनों सेट के आंसर की मैं आपको देने वाला हूँ। पहले मैं आपको दे रहा हूँ फर्स्ट वाले की, यानी कि 003/2/4, इसकी मैं आंसर की आपको पहले देने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, एक अपठित गद्यांश था, उसके 5 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट का आंसर है सी, ओके। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ए, सेकंड का आंसर ए हो गया। थर्ड का आंसर है बी, थर्ड का आंसर बी। फोर्थ का आंसर है डी, फोर्थ का आंसर है डी। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा सी। ये फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर होगा सी। अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड गद्यांश की बात करते हैं। सेकंड गद्यांश में 6th क्वेश्चन का आंसर है ए, 7th का आंसर है डी, 7th का डी। 8th क्वेश्चन का आंसर है बी। ठीक है, 9th क्वेश्चन का आंसर है बी। फिर 10th क्वेश्चन का आंसर भी बी है। ठीक है, इसके बाद 10th के बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्वेश्चन नंबर सी करेक्ट है, 12 का आपका ए क्वेश्चन आंसर करेक्ट है। इसके बाद 13 का सी करेक्ट है, 13 के बाद चलते हैं 14 पर, 14 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट है और 15 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का बी आंसर, क्वेश्चन 17 का भी बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है सी, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है ए, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है डी। ओके, 20 के बाद 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको मिलेगा क्वेश्चन ए, 22 का आपका मिलेगा सी, 23 का है ऑप्शन बी करेक्ट, 24 का ऑप्शन डी करेक्ट है, 25 का सी ऑप्शन करेक्ट है, 26 का बी ऑप्शन करेक्ट है, 27 का बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर 28 का सी ऑप्शन करेक्ट है, 29 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, 30 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 31 से। 31 में आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, 31 में सी ऑप्शन करेक्ट है, 32 में बी ऑप्शन करेक्ट है, 33 में भी बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 33 के बाद 34 में डी ऑप्शन करेक्ट है, 35 में ए ऑप्शन करेक्ट है, 36 में बी ऑप्शन करेक्ट है, 36 में बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर 37 में सी ऑप्शन करेक्ट है, 38 की बात करते हैं, 38 में बी ऑप्शन करेक्ट है, 39 में डी ऑप्शन करेक्ट है, 39 के बाद 40 को पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का ए ऑप्शन करेक्ट है, 40 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 40 के बाद में 41 पे चलते हैं, 41 में आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, 41 का ए ऑप्शन करेक्ट है, 42 का डी ऑप्शन करेक्ट है, 42 का डी ऑप्शन करेक्ट है, 43 का सी ऑप्शन करेक्ट है, 44 का बी ऑप्शन करेक्ट है, 45 का आपका क्वेश्चन नंबर डी करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसके बाद 46 पे चलते हैं, 46 का बी ऑप्शन करेक्ट है, 46 का बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर 47 का सी ऑप्शन करेक्ट है, 47 के बाद 48 का भी सी ऑप्शन करेक्ट है, 48 के बाद 49 पे चलते हैं, 49 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, 50 का बी ऑप्शन करेक्ट है, 51 का बी ऑप्शन करेक्ट है, 52 का भी बी ऑप्शन करेक्ट है, 53 का बी ऑप्शन करेक्ट है और 54 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस के मैंने आपको आंसर की दे दिए। फर्स्ट था यानी कि 003/2/4 का। अब दूसरे पे चलते हैं जिसका है कोड 003/1/4। ठीक है, उस पे तो ये है दूसरा सेट 003/1/4। ये सेट है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट है, सेकंड का बी करेक्ट है, थर्ड का डी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन 4 का ए ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन 5 का सी ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन 6 का डी ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन 7 का डी ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन 8 का बी ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन 9 का सी ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन 10 का बी ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन 11 का ए ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन 12 का सी ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन 13 का भी सी ऑप्शन करेक्ट है, 14 का डी ऑप्शन करेक्ट है और 15 का भी डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है,
इसके बाद हम चलते हैं 17 पे, क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का ए ऑप्शन करेक्ट है, 17 का बी ऑप्शन करेक्ट है, 18 का ए ऑप्शन करेक्ट है, 19 का सी ऑप्शन करेक्ट है, 20 का डी ऑप्शन करेक्ट है, 21 का बी ऑप्शन करेक्ट है, फिर 22 का भी ए ऑप्शन करेक्ट है, 23 का सी ऑप्शन करेक्ट है, 24 का सी ऑप्शन करेक्ट है, 25 का डी ऑप्शन करेक्ट है, 26 का डी ऑप्शन करेक्ट है, सॉरी क्वेश्चन 26 का सी ऑप्शन करेक्ट है, 27 का डी ऑप्शन करेक्ट है, 28 का ए ऑप्शन करेक्ट है, 29 का बी ऑप्शन करेक्ट है और 30 का ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए हम 31 की बात करते हैं, 31 का डी ऑप्शन करेक्ट है, 32 का ए ऑप्शन करेक्ट है, 33 का डी ऑप्शन करेक्ट है, 34 का ए ऑप्शन करेक्ट है, 35 का डी, 36 का ए, 37 का डी, 38 का बी, 39 का बी, 40 का ए, 41 का डी, 42 का बी, 43 का भी बी, 44 का ए, 45 का बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद इधर चलते हैं 46 से, 46 का बी, 47 का सी, 48 का भी सी, 49 का ए और 50 का बी, और 51 का सी, 52 का बी, 53 का सी और 54 का डी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरह से दोनों आंसर की मैंने आपको बता दी है, एक था 003/1/4 जो अभी मैंने आपको बताई है, और एक थी 003/2/4, ये दोनों के आंसर की आपको बता दी है। आप मुझे बताएंगे कि आपके इसमें कितने मार्क्स आए। आज के बस इतना ही, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट पेपर के आंसर की के साथ, तब तक आप ही खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।